अलावा क्या आपके जो रविंद्र जडेजा के पिता हैं? सर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्य हैं, वो अलग अलग पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हो, तो वो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए पार्टी आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा आप डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मैं तभी वो बोल सकती हूँ। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करें प्लीज। बाबा आप इस तरफ देखते हो, मुझे जामनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ, बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप खुद जामनगर से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी दिक्कतें देखती हैं, क्योंकि आप ही के परिवार के बहुत से लोग आपके खिलाफ हैं, चाहे रविंद्र जडेजा के पिताजी हो या आपकी ननंद हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है, और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में, मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीजें, माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर हो के मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की सीट काट दी गई, विजय रूपाणी उनमें से एक है, जिस जहां पर आप मतदाता हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बहुत से लोगों को कैंडिडेट बेस्ड पार्टी है, सेंट्रल नेतृत्व के माध्यम से जो जो उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है, पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता भाई बहन उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं, और जो जो हमारे वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुभव के साथ और युवा पीढ़ियों को तैयार करने के माध्यम, ये दोनों एक जो पिलर्स हैं उनको रेडी करने में मानने वाली पार्टी है, तो एक तरफ है तो वो जो जितने भी वरिष्ठ नेता है उनका अनुभव और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को आगे लेके चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अलग अपनी तौर की एक जो मेथड है, जिससे देश के भविष्य के लिए, राजनीतिक देश के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।